बेटी के जन्म पे उत्सव मनाया जा रहा है। महिलाएं भी पुरुषों के तरह कंधे से कंधा मिलाकर के काम करें। महिलाओं का मान सम्मान भी हुआ, साथ में स्वास्थ्य का भी लाभ हुआ। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर बेटियां पीछे है। लड़कियों को भी पहले कम ही पढ़ाते थे, अब आज ज्यादा पढ़ाने लग गए। केंद्र की मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिसका लाभ देश भर में बड़े पैमाने पर महिलाओं को मिला है। केंद्र सरकार की सोच रही है कि महिलाएं भी पुरुषों के तरह कंधे से कंधा मिलाकर के काम करें और हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सके। इसी लिहाज में अब कई क्षेत्रों में महिलाओं की जो उपस्थिति है वो देखने को मिल रही है। आज मैं जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचा हूं और जहां केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में महिलाओं से बात करने वाला हूं, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये आसलपुर क्षेत्र है जहां पर कि हम आए हैं महिलाओं से बात करने के लिए। और सबसे पहला सवाल भी मेरा इन महिलाओं से यही है कि केंद्र सरकार ने जो पिछले 10 साल में काम किया है उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मना रहे हैं और महिलाओं के लिए क्या कुछ काम हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से, उस बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, मोदी जी ने भारत में बहुत सारी योजनाएं चलाई है जिससे महिलाओं का बहुत आर्थिक रूप से संबल मिला है, आत्मनिर्भर हुई है। महिलाओं को पानी की समस्या नहीं हो इसलिए उन्होंने घर घर नल योजना स्टार्ट की है और महिलाओं के लिए सिलाई की योजना स्टार्ट की है जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें। सर, हम मोदी जी को अपना परिवार मानते हैं क्योंकि गाँव से लेकर शहर तक मोदी जी ने बहुत सारे महिलाओं के सम्मान में बहुत सारे कार्य किए हैं। और जैसे एक मुखिया का कार्य होता है कि सारे घर को साथ लेके चलना, हर सदस्य का ध्यान रखना, वैसे ही मोदी जी पूरे देश की जनता का ध्यान रख रहे हैं। प्रधानमंत्री को अपना परिवार मानते हैं ग्रामीण जन और ग्रामीण महिलाओं का खासतौर पर यही कहना है। कुछ और लोगों से मेरी बात करने की यहाँ पर कोशिश है। मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि 33% जो आरक्षण महिलाओं के लिए केंद्र सरकार लेकर के आई थी, अब इससे किस तरह का बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, क्या आप देखते हैं? वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे आएगी और वो जो घर जो चार दीवारी के अंदर घर के अंदर मौजूद रहती थी, वो पैक रहती थी, वह अब ना समाज में आएगी। इसके अलावा उन्होंने सिलाई के लिए भी ना काफ़ी योजनाएं चालू की है तो महिलाओं को अपना रोजगार करने का मौका मिला, वो अपना खुद का रोजगार तैयार ना कर रही है, खुद की ना सेल्फ डिपेंड बन रही है। शिक्षा में भी महिला आगे है, बेटों से ज़्यादा बेटियाँ नाम रोशन कर रही है। और पहले बेटी के जन्म पर कोई उत्सव नहीं मनाया जाता है, पर आजकल है ना बेटी के उत्सव पर बहुत उत्सव मनाया जा रहा है। तो ग्रामीण महिलाएं खुद कह रही कि देखिए किस तरह से सरकार ने उनका सम्मान बढ़ाने की कोशिश की है। वो भले ही शौचालय बनवा करके हर एक जो गांव है शहर है उनको ODF करने की जो बात है वो की गई हो, या फिर अलग अलग तरीके से सिलाई मशीन देकर के उनको आत्मनिर्भर करने की, रोजगार और कौशल से जोड़ने की दिशा में काम किए गए हों। कुछ और महिलाओं से बात करने की मेरी यहाँ पर कोशिश रहेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनवा करके जो है महिलाओं का सम्मान उन्हें दिलाने की कोशिश की गई है, क्या देखते हैं आप इस सोच के बाद में कितना बदलाव आया है गाँवों के अंदर? पहले जंगलों में खुलों में जाना पड़ता था, महिलाओं के लिए सेफ नहीं था। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो पहले औरतें डिब्बे लेकर बाहर जाती थी वो शर्मसार होती थी, वो अब उनको वो महसूस नहीं होता वो शर्म। सब घरों में शौचालय बनवा दिए, इसलिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं राज्यवर्धन जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस बात को मोदी जी तक पहुंचाई और हम सब औरतों को सम्मान दिलवाए। कुछ और महिलाओं से बात करने की यहाँ पर मेरी कोशिश रहेगी और जानने की कोशिश ये भी रहेगी कि जो महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में जो काम हुआ है उसे लेकर के इन महिलाओं का क्या कहना। जनधन खाते खुलवाने की बात यहाँ पर कही गई थी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कितने जनधन खाते हैं वो इन गाँव में खुले हैं और कितने महिलाओं को इसका बेनिफिट यहाँ पर मिल पाया है। जी, मोदी जी की जो जनधन खाता योजना है उसके तहत गरीब लोगों को और महिलाओं को बहुत लाभ मिला है। आज देश का हर गरीब इस सेवा का लाभ उठा रहा है। जो मोदी सरकार के जो पैसे हैं वो सीधे उनके अकाउंट में जाते हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं है और गांव का जो गरीब लोग है वो भी लोन ले सकता है। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस नियम को लागू किया और गरीबों के बारे में भी सोचा। गरीबों के बारे में सोचा है केंद्र सरकार ने, जनधन खाते जो है वो खुलवाए गए। इससे पहले महिलाओं के खाते आसानी से नहीं खुलते थे या खाते होते भी नहीं थे, लेकिन उसके बाद में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव जो है वो निश्चित रूप से देखने को मिला।
गांव-गांव में हर एक घर में जो महिलाएं हैं जो अब घर की मुखिया की जिम्मेदारी भी जो है वो निभाने लगी है, क्योंकि अब वो आर्थिक रूप से सक्षम होने लगी है। कुछ और महिलाओं से यहाँ पर बात करने की मेरी कोशिश है। उज्ज्वला योजना के बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कहा जाता है कि सिलेंडर जो है वो सस्ता हुआ तो उसके बाद में लोग ने सिलेंडर खरीदे लेकिन वो यूज़ नहीं ले पाए, क्या आपको लगता है कि ऐसा है या फिर यूज़ हो रहे हैं? यूज़ तो हो रहे हैं लेकिन कहीं कई तरह से इनका गलत उपयोग भी हो रहा है। कुछ लोग इसका सदुपयोग कर रहे हैं, कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये जो धुआं मुक्त राज्य बन रहा है, अपना देश बन रहा है, वो बहुत अच्छा है। और कुछ लोग ऐसे भी जिनको इस सुविधा के बारे में अभी तक नहीं पता है, तो मैं यही लोगों से अपील कर रही हूँ कि सबको इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि मुद्रा योजना को लेकर के भी क्या गाँव की महिलाएं अवेयर हैं? कितने मुद्रा योजना को लेकर के काम हुआ है या फिर आप क्या बोलना चाहेंगे मुद्रा योजना को लेकर? मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी कि मुद्रा लोन से बहुत महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए मौका मिला है। मैंने भी लिया है इससे कि मैं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रही हूँ इसी के तहत, और मेरी खुद की शॉप है और इससे महिलाओं का विकास हो रहा है, वो आगे बढ़ रही है। अच्छा, आपने खुद बेनिफिट लिया है इसका? यहाँ कितना आपने लोन लिया था, क्या प्रोसेस? अगर आपको टीवी पे जो लोग देख रहे हैं आप उनको बोलना चाहें, गांव के लोग भी हैं होंगे, तो आप उनको क्या बोलेंगे, कैसे इजी लोन आप ले सकते? ये बहुत ही आसान है और आसान किस्तों में मिल रहा है। 2 लाख तक का लिया था मैंने और इससे महिलाओं का उत्थान हो रहा है जो कि मोदी जी के कारण ही संभव हुआ है ये सब। आप मुझे बता पाएंगे पालनहार योजना का जो बेनिफिट है वो किस तरह से यहाँ पर मिला है? पालन योजना के अंतर्गत कामकाजी माताओं के बच्चों की देखभाल, पोषण और शिक्षा संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। मोदी सरकार ने हमेशा ही महिला के विकास और महिला सशक्तिकरण पर काम किया है। अब महिलाएं बेफिक्र होकर अपने काम पर जाती है और उनके बच्चों का ख्याल सरकार रखती है। और पालनहार योजना के अंतर्गत जो निःशक्त बालक होते हैं जिनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है या आजीवन कारावास दंड हो जाती है, जिनकी विधवा मान लो आप पुनर्विवाह से माताएं, उनको 3 संतानों पर उनको जो मंथली 750 रुपये दिया जाता है 6 साल तक के बच्चों को, 6 साल से ऊपर जो 18 साल की उम्र के बच्चे उन्हें 1500 रुपये प्रति माह जो राशि दी जाती है, जो उन बच्चों के पालनहार को उनके शिक्षा स्वास्थ्य आदि समस्याएं को समाधान के लिए उन पैसों की बहुत सारी राशि से उनको सहायता मिलती है उनसे। न सिर्फ आपने इसका लाभ लिया बल्कि आपने देखा कि गांव की और महिलाएं इस योजना का बेनिफिट ले रही हैं। हाँ, ले रही है, जो पालनहार में आती है उनको सबको ये इस योजना का लाभ मिल रहा है। तो महिलाओं को इस सहायता राशि से काफ़ी कुछ राहत मिल पाती है और एक मदद मिल पाती है परिवार को बेझिझक चलाने में और एक सुरक्षा मिल पाती है आर्थिक रूप से। और यही कहना है यहाँ पर जो ज़्यादातर महिलाएं हैं केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के अपनी बात रख रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन योजनाओं का बेनिफिट जो उन्हें मिला है उसके बाद में जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव उन्होंने महसूस किया है। इस खास कार्यक्रम में हमारी बातचीत जारी है लेकिन एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ कितना मिल पा रहा है। जमीनी स्तर पर हमने आकर के यहाँ पर लोगों से बातचीत की शुरुआत की है और ये शुरुआत अभी हमारी यहाँ पर जारी है कि हम और महिलाओं से यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ महिलाएँ हैं उनको केंद्र सरकार की योजनाओं का कितना बेनिफिट मिल पाएगा। मैं अगर आपसे बात करूँ कि प्रधानमंत्री जो अलग अलग योजनाएं चला रहे हैं और खास तौर पर महिलाओं के समर्पित योजनाएं हैं, आप कैसा देखते हैं इन योजनाओं को लेकर? मैं बहुत कुछ देखती हूँ, बेटियों के लिए भी देखती हूँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उनके लिए भी देखती हूँ। तो मोदी जी के कारण आज समाज में बेटियाँ सुरक्षित है और उनकी वजह से बेटियों को पढ़ने के लिए मिल रहा है। महिलाओं के साथ में प्रधानमंत्री की ऐसी योजनाएं रही है जो बालिकाओं को, किशोरियों को जो लाभ दे रही है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ जो गांव की महिलाएं और छात्राएं जो है वो मेरे साथ में यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है। आप मुझे ये बताइए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कॉन्सेप्ट है और ये जो योजना लाई गई है इसका किस तरह से बेनिफिट मिल पा रहा है और आप लोग ने कैसा इसका बदलाव महसूस किया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इससे हमें अनेक प्रकार के लाभ हुए। जैसे पहले है ना बेटियों को 4 दीवारी के अंदर कैद रखा जाता था लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आज उनको है ना समानता दी गई है, उनको भी एकदम पुरुषों के बराबर हक दिया गया है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर बेटियां पीछे है, वह भी पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है। जैसे अभी हम उसके एग्जांपल्स ले सकते हैं, हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हमारी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी, और मैं जिस गांव की नागरिक हूँ उस गांव की सरपंच भी एक महिला है श्रीमती सरला कुमावत। तो ऐसे अपन बहुत आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर बेटियां पीछे हैं, तो बेटियों को दो इतना सम्मान ताकि देश की बड़े शान। बेटियों को सम्मान मिला है मोदी सरकार में, आप क्या बोलना चाहेंगे?
अभी बेटियां जो है पुरुषों के समान लड़कों के समान कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, उनका तहे दिल से धन्यवाद। एक बड़ी प्रसिद्ध योजना है मातृ वंदन योजना, गर्भवती महिलाओं के लिए यह चलाई गई है, मैं उस पर अगर बात करूं, क्या उसका बेनिफिट यहाँ की महिलाओं को मिला है? पहले घर में औरतें ना बैठी रहती थी, उनका सम्मान नहीं किया जाता था घर घर, अब है ना उनको वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र में बुलाकर वहाँ पे उनका स्वागत किया जाता है, उनकी गोद भराई की रस्म की जाती है, उनकी गोद भराई की रस्म के साथ साथ ही उनको है ना उनकी गोद भराई की रस्म के साथ साथ उन माताओं तथा बच्चों को भी उनको अच्छी शिक्षा और उनको पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। केंद्र सरकार की तरफ से जो महिलाओं को समर्पित योजनाएं हैं उन पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिला दिवस पर महिलाओं के बीच जाकर के हम उनसे ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका उनको किस तरह से बेनिफिट मिल पा रहा है और उससे उनके जीवन में किस तरह से बदलाव उन्होंने महसूस किया है। ज़्यादातर लोगों ने एक अच्छी प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पर हमारे को दी है और मैं ये भी बात करने की कोशिश करता हूँ कि जिस तरह से आज देश की राष्ट्रपति जो है वो भी महिला है और इस गांव की सरपंच है वो भी महिला है, यानी कि बदलाव जो है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। जनप्रतिनिधि जो है उनमें महिलाएँ काफ़ी बढ़ रही हैं और जिस तरह से मैं बात कर रहा था, देश की महिला राष्ट्रपति जो है वो आदिवासी हैं और महिला हैं, इसे लेकर के आप क्या कुछ महसूस करते हैं? ये चेंज है, समाज में एक बड़ा बदलाव है? हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है, इससे है ना महिलाओं को हर क्षेत्र में सम्मान मिल रहा है और मोदी सरकार भी यही चाहती है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में सम्मान मिले। आपसे मैं बात करूँ कि किस तरह का लाइफ आजकल है ना बेटी के नाम पे उत्सव मनाया जा रहा है। महिलाएं भी पुरुषों के तरह कंधे से कंधा मिलाकर के काम करें। महिलाओं का मान सम्मान भी हुआ, साथ में स्वास्थ्य का भी लाभ हुआ। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर बेटियां पीछे है। लड़कियों को भी पहले कमी पढ़ाते थे, अब आज ज्यादा पढ़ाने लगे। के आसपास खड़े हैं जहाँ कुछ महिलाएं आ जाते हैं, कुछ लोगों से भी बातचीत करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं, 100 रुपए आज से गैस सिलेंडर के दाम में कम हुई, किस तरह से देखते हैं पूरे मामले? बढ़िया है तो यार, कैसे बजट घर का बजट में फर्क तो पड़ेगा ना। महिला दिवस पर एक और तोहफा मिला, आपसे जानना चाहते हैं, 100 रुपए सिलेंडर में कम हुए, कैसे फर्क पड़ेगा महिलाओं के लिए? जी नहीं, हम तो ब्लैक से भरवाते हैं, हमारे राशन नहीं है। आप बताइए, जैसे 100 रुपए का दाम कम हुआ तो कितना फर्क पड़ता है? 100 रुपए में क्या फर्क पड़ेगा, 100 रुपए कितने होते हैं, क्या आता है आजकल 100 रुपए में? 100 रुपए से कोई बात नहीं होगी तो 100 रुपए हो और सही, राहत तो मिलेगी, मिलेगी राहत मिलेगी जब। हालांकि कुछ महिलाओं को इसकी जानकारी नहीं है, आपसे जानना चाहते हैं सर, 100 रुपए का दाम कम हुआ सिलेंडर का, क्या कहना चाहते हैं, फर्क पड़ता है? खाएगा सर, 100 रुपए सिलेंडर के दाम में कटौती की गई है जी, तो अब उससे इसका फर्क पड़ेगा? महीने का बहुत फर्क पड़ता है सर, जो महीने का जो बजट है उसमें बहुत फर्क पड़ता है सर, 100 रुपए भी मायने रखता है। आपसे जानना चाहते हैं, 100 रुपए जैसे कटौती हुई तो उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा लोगों के बजट में? अच्छा करा सरकार ने, बढ़िया है, 100 रुपए घटाए तो बहुत अच्छा करा, बहुत बढ़िया करा। हालांकि अभी बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि खुशी का माहौल है, क्योंकि 100 रुपए के दाम जब एकदम से, आपसे जानना चाहते हैं सर, 100 रुपए जैसे कम हुआ है गैस सिलेंडर के दाम में, किस तरह का फर्क पड़ता है परिवार में? क्या फर्क पड़ेगा सर, 100 रुपए कम हुए हैं अभी गैस सिलेंडर आज से फर्क तो पड़ता है सर, अभी 925 रुपए का आ रहा था, अब 100 रुपए कम हुए तो फर्क तो पड़ता है सर। महिलाओं में खुशी तो रहेगी सर, बजट बिगड़ेगा नहीं। आपसे जानना चाहते हैं, किस तरह से देखते हैं 100 रुपए कम हुए गैस सिलेंडर के? कम हुए तो बढ़िया है, थोड़ी राहत मिलेगी। और अभी धीरे धीरे ओम प्रकाश लोगों को जानकारी हो रही है, आगे जैसी ही ये बातें एक इंसान के बाद दूसरे इंसान के बाद जाएंगी, बातचीत होगी तो पता चलेगा कि किस तरीके से ये राहत जो है सरकार की तरफ से दी गई है। बहुत शुक्रिया अरबाज, अशोक, कपिल और ओम प्रकाश तमाम तस्वीरें और जानकारी पहुंचाने के लिए। महिला दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया, आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम हो चुके हैं। पीएम मोदी ने आज इसका ऐलान सोशल साइट एक्स पर अपने एक पोस्ट के जरिए किया। एक्स पर लिखे पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है।
इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। बता दें कि इससे पहले मोदी सरकार की कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के तहत प्रति एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी राहत एक साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है। तो आप ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि सिलेंडर के दामों में कितनी कटौती आई है। बताते चले कि 100 रुपए कटौती आई है और इस कटौती के बाद जयपुर में सिलेंडर के दाम 806.50 रुपए हो चुके हैं। बताते चले, और दिल्ली में वही 803.50 रुपए सिलेंडर की कीमत होगी। भोपाल की बात करें तो वहां पर 808.50 रुपए सिलेंडर की कीमत होगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते जा रहे हैं कि कितने दाम जो हैं वो थे पहले, और अब कम होने के बाद सिलेंडर के दाम कितने हो गए हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। जयपुर में पहले सिलेंडर की कीमत थी 906.50 रुपए और जो अब हो चुकी है 806.50 रुपए। दिल्ली में पहले सिलेंडर की कीमत थी 903 रुपए जो अब 803 हो चुकी है। बात करें भोपाल की तो पहले सिलेंडर वहां पर 908.50 रुपए में मिल रहा था, जो अब मिल रहा है 808.50 रुपए में। तो सिलेंडर के दामों से लोगों में खुशी भी है, ज्यादा जानकारी ले। आजकल है ना बेटी के जन्म पे उत्सव मनाया जा रहा है। महिलाएं भी पुरुषों के तरह कंधे से कंधा मिलाकर के काम करें। महिलाओं का मान सम्मान भी हुआ, साथ में स्वास्थ्य का भी लाभ हुआ। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर बेटियां पीछे है। लड़कियों को भी पहले कम ही पढ़ाते थे, अब आज ज्यादा पढ़ाने लगे। केंद्र सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण को लेकर के किए गए काम को लेकर हमने महिलाओं से बातचीत की और उनको ही हमने पूछा और उनसे ही जाना कि किस तरह का काम पिछले 10 साल में हुआ है। तो महिलाओं ने अपना यहाँ पर खास तौर पर रिव्यू दिया कि सरकार के कामकाज से वे बेहद संतुष्ट नजर आ रही है, लेकिन अभी कितना काम बाकी है, अभी कितना काम इस पर होना है। हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए मौजूद है कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब। राठौड़ साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार में भी आप हिस्सा रहे और आप राज्य सरकार का हिस्सा हैं, किस तरह से महिलाओं को लेकर के खासतौर पर सरकार अपनी सोच रखती है और आने वाले दिनों में अभी किस तरह के माइलस्टोन पर हम लोग जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसे लेकर के हम योजनाएं तैयार कर रहे हैं। देखिए, भारत के अंदर अक्सर महिलाओं, युवाओं और किसानों की बात होती थी, लेकिन अगर एक्शन के नाम पर योजनाएं जो धरातल तक पहुंच रही हैं और वाकई में क्या उनका उत्थान हो रहा है, उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है, तो वो सिर्फ खाना पूर्ति होती थी या कागजों तक रह जाती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से पहली बार इतना ज़बरदस्त फोकस महिलाओं के ऊपर लेकर आए, जिसके अंदर सरकार की नीतियाँ भी बनी, एक सामाजिक बदलाव भी लेकर आए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करा, कानून के अंदर बदलाव भी करा, और ये सब करके महिला मातृशक्ति को हर तरह से समाज के अंदर उनको आगे जिम्मेदारी संभालने के लिए उनको अवसर दिए। देखिए, सबसे पहले तो मान सम्मान देने वाली बात और स्वास्थ्य वाली बात कि लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर 2014 पे जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने शौचालय की बात करी तो बहुत से लोग और खासतौर से विपक्ष ने बोला, देखिए क्या बात कर रहे हैं, शौचालय की बात लाल किले से, तो खासतौर पर इसे मजाक बनाया उसका। लेकिन ये सत्य है कि ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले शौच से मुक्त गांव थे ही नहीं उस समय तक। आज 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बन गए हैं, हर स्कूल के अंदर शौचालय बन गया है, तो महिलाओं का मान सम्मान भी हुआ, साथ में स्वास्थ्य का भी लाभ हुआ, तो एक वो। दूसरी तरफ आप देखिए कि आरक्षण कर दिया राजनीति के अंदर, मतलब दोनों दो एंड हैं स्पेक्ट्रम के, एक बिल्कुल बेसिक नीड और एक हमारे समाज के अंदर, राजनीति के अंदर भी उनको एक मजबूत स्थान देने के लिए निर्णय लेने की बात, 33% जहाँ रिजर्वेशन करा उनके लिए। उसके बीच में अनेक कदम हुए, जैसे उज्ज्वला योजना हुआ जिसके अंदर मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। अब हम सब जानते हैं कि पहले जितनी भी सरकारें होती थी गैस के ऊपर सबको सब्सिडी देती थी। राजनीति में काफ़ी बड़ा हिस्सा रहा, राजनीति काफ़ी हुई इसमें। हाँ, उसके अंदर चोरी चकारी बहुत होती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गैस के अंदर चोरियां होती थी उसी को पकड़ा, तो कम से कम 14,000 करोड़ का वहाँ लाभ मिला।
उस 14,000 करोड़ से आज गरीब महिलाओं के घर पर गैस कनेक्शन निःशुल्क पहुँच रहे हैं। कितनी सुविधाएँ हो जाती हैं। अब देखिए जो बेटियाँ हैं उनको अक्सर जब किताब खोलती हैं तो लोग उनको घर पर बोलते हैं इसका मतलब फ्री हो गई है, तो बोलते हैं जब चाय बना के लिए आओ, चाय बनाने में कितना टाइम लगता था, ये खाना पकाने में कितना टाइम लगता था, या कोई घर में मेहमान आ जाए तो उसके लिए चाय बनाने में कितना टाइम लगता था। आज एक बटन ऑन करा गैस का कनेक्शन, गैस चालू हो जाती है। और गैस सिलेंडर भी अब 450 रुपये में राजस्थान में उपलब्ध हो रहे हैं। और आज ही मैं आपको खुशखबरी दूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल रात का जो कैबिनेट निर्णय था उसमें 300 रुपये गैस की सब्सिडी देश की हर महिला को दे दिया है। महिलाओं के लिए सर लाइफस्टाइल बदला है तो माइंडसेट भी लोगों का चेंज हुआ है। बिल्कुल, और ये माइंडसेट चेंज होना बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि केवल कानून से मातृशक्ति को वो जिम्मेदारी और वो सम्मान नहीं दिया जा सकता जितना सामाजिक बदलाव से आता है। और सामाजिक बदलाव के लिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो उससे एक सामाजिक बदलाव आया। उसमें जो जेंडर गैप था वो जेंडर गैप भी कम होने लग गया। अगर सर मैं बात करूँ, कई ऐसी योजनाएं जो कि आप भी बात कर रहे थे यहाँ पर महिलाओं से, मैंने भी यहाँ पर बात करी, तो अलग अलग जो योजनाएं हैं उनका काफ़ी बेनिफिट लोगों को मिल पाया। आमतौर पर पहले यह हुआ करता था कि योजनाएं तो काफ़ी बनती थी लेकिन वो धरातल पर लागू नहीं हो पाती थी। किस तरह से मॉनिटरिंग को कैसे दुरुस्त किया गया जिससे कि ये धरातल पर आम बेनिफिशियरी को जो है वो लाभ मिल पा रहा? देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा काम जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा वो था जनधन आधार और मोबाइल जैम का। तो जनधन से सबके खाते खुले, और आपको याद होगा उस पर भी विपक्ष ने मजाक बनाया था, ये तो खाली खाते हैं, तो फर्जी खाते हैं। उन खाली खातों के अंदर आज कम से कम 14,00,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं। तो ये जिन लोगों को विपक्ष गरीब कहता था ये वो ताकत है। तो जनधन खाते हो गए। तो अब जब केंद्र सरकार कोई भी किसी भी योजना का पैसा जब किसी महिला के नाम पर भेजते हैं, किसी भी व्यक्ति के नाम पर भेजते हैं, तो उसमें कोई बिचौलिया नहीं होता। जितना पैसा रवाना होता है उतना ही पहुंचता, पैसा पहुंचता है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब एक साथ बटन दबाते हैं तो लाखों किसानों के पास एक साथ किसान सम्मान निधि पहुंच जाती है और तुरंत कंप्यूटर के ऊपर आ जाती है कि इतना सबको मिल गई। तो जो लीडरशिप है वो ये देख भी सकती है कि जो हम काम कर रहे हैं वो कितना नीचे तक धरातल तक पहुंच रहा है। एक बात ये जानना चाह रहा हूँ सर कि विकसित भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, महिलाओं का विकसित भारत में किस तरह का आप योगदान मानते हैं, उनका किस तरह की भागीदारी आप मानते हैं, और अभी आने वाले दिनों में और कितना कामकाज करना जो है वो उसको लक्ष्य आप मान करके चल रहे हैं? बहुत बड़ा योगदान है, मतलब जितना कहें उतना कम है। क्योंकि जब एक महिला, एक परिवार की महिला सशक्त हो जाती है, पढ़ लिख लेती हैं, तो ये मान लीजिए कि उसकी सारी पीढ़ियां पढ़ लिख लेंगी। सर आजकल है ना बेटी के जन्म पे उत्सव मनाया जा रहा है। महिलाएं भी पुरुषों के तरह कंधे से कंधा मिलाकर के काम करें। महिलाओं का मान सम्मान भी हुआ, साथ में स्वास्थ्य का भी लाभ हुआ। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर बेटियां पीछे। लड़कियों को भी पहले कमी पढ़ाते थे, अब आज ज्यादा पढ़ाने लगे।